हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिनको यूज करके आप अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हो और साथ ही साथ काफी सारी बचत भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है साड़ी को लेकर। तो देखिए, इस तरह जो साड़ी होता है ना, हम सभी लोग पहनना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमें एक आती है जब हम इसको साड़ी को रखते हैं ना, तो इसके ब्लाउज और पेटीकोट को अलग रखते हैं। अब जब हमें दोबारा से इसको पहनना होता है तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसके मैचिंग का ब्लाउज और पेटीकोट निकालने में। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, साड़ी को फोल्ड करने के बाद हैंगर में डालना है और उसके बाद हमें इसी में पेटीकोट को लगा देना है। अब हमें क्या करना है, जो भी इसकी मैचिंग का ब्लाउज है ना वो लेना है और इस तरह से ओपन करके रखना है। अब जो हमने साड़ी को इसमें हैंगर में हैंग किया है ना, वो साड़ी हमें ले लेना है, इसी में हमने पेटीकोट को लगाया है। और उसके बाद देखिए, इस तरह से हमें, जैसे हम ब्लाउज को वियर करते हैं, सेम तरीके से हमें पेटीकोट और साड़ी में इसको टक कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारी तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी और आपको लग रहा होगा कि इसमें साड़ी अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगी, तो साड़ी इसमें बहुत बढ़िया से फिक्स हो जाती है इस तरह से देखिए। और जो इसकी स्लीव्स है ना, अगर स्लीव फुल हैं या फिर थोड़ा सा बड़ी स्लीव है ना, इनको आप अंदर के साइड भी कर सकते हो। छोटी स्लीव हैं तो इस तरह से देखिए बढ़िया से सेट हो जाती हैं। तो अब हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको निकालने में, क्योंकि पूरा का पूरा सेट हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस तरह से रखने से हमें एक फ़ायदा और होता है, जो साड़ी इधर उधर सरक जाया करती है ना हैंगर से, कभी एक पार्ट छोटा बड़ा हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। जब भी आपको साड़ी रखना हो इस ट्रिक को ज़रूर यूज कीजिएगा। अगला टिप है हमारा ब्लाउज को लेकर। तो देखिए, कुछ ब्लाउज हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हम कम यूज़ करते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच किसी भी साड़ी पर कर लेते हैं, तो इनको तो हम अलग ही रखते हैं। और इस तरह से देखिए फोल्ड करके रखते हैं तो इनमें डोरी वगैरह होता है ना, तो ये डोरी निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ये अदर कपड़ों के साथ उलझ के मतलब फंस जाती है और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूंगी, जिससे ना ये डोरी निकलेगी और ना ही हमारा ब्लाउज मैसी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसके हुक को खोल लेना है और उसके बाद जो एक पार्ट है ना, इसको हाफ फोल्ड कर देना है और दूसरे पार्ट को इस तरह से रखना है। तो जो बैक साइड वाला पार्ट है ना, वो अंदर की साइड हो गया, देखिए पूरा का पूरा फिक्स हो गया है। और एक स्लीव को हमें दूसरी स्लीव के अंदर फिक्स करते हुए इसकी डोरी को भी अंदर ही डाल देना है। और इस तरह से अगर नेक एरिया बड़ा है तो आप उसको उस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा, और स्लीव भी अगर बड़ी है तो आप अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। और जो नीचे का साइड है ना, ये हमें इसमें टक कर देना है, जो शोल्डर वाला पार्ट है उसको हमें इसमें डाल देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये छोटा सा एक पैकेट बन जाएगा, इससे बिल्कुल भी डोरी बाहर नहीं निकल के आएगी। और दूसरा, जब भी हम इसको कहीं भी रखेंगे तो स्पेस बहुत कम लेगा। तो चलिए दूसरा भी मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, हुक को इस तरह से खोलना है और जो ब्लाउज का हाफ पार्ट है इसको अंदर के साइड हमें डालना है। तो दूसरी स्लीव के अंदर देखिए इस तरह से हमें इसको डालना है, और एक स्लीव के अंदर दूसरी स्लीव बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है इस तरह से देखिए। अब ये जो पार्ट बचा है ना, इसको हमें बढ़िया से सेट करते हुए इस तरह से फोल्ड कर देना है, और जो भी डोरी है इसकी वो हमें इसके अंदर डालनी है इस तरह से देखिए। तो इससे बिल्कुल भी डोरी निकलेगी नहीं, और स्लीव मैंने पहले ही आपको बताया है, अगर बड़ी है तो आप इसको फोल्ड कर दीजिए। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद वापस से हमें इसको इसमें टक कर देना है। इसमें टक करने से ये होता है कि ये बिल्कुल भी खुलता नहीं है, स्पेस कम लेता है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों ब्लाउज को फोल्ड कर दिया है। अब बारी है इसको रखने की। तो इसको रखने के लिए हम इस तरह से बास्केट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बास्केट को मैंने घर पर ही बनाया है पुराने कैरी बैग से और कार्डबोर्ड की मदद से। तो इस तरह से हमारे काफ़ी सारे पैसे की बचत हो जाती है, जो कि हम बास्केट अलग से खरीदते हैं ना, वो हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगले टिप में यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल, और चावल तो हम सभी के घर में होते हैं। इस तरह से चावल लेने के बाद हमें इसमें डालना है टेलकम पाउडर। आप
यहाँ पर एक्सपायर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अच्छे से इसको हमें इसमें मिक्स कर देना है। तो ये सोल्यूशन हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने घर में कोई भी टूटा हुआ कप हो वो हमें ले लेना है, क्योंकि हम सभी के घर में कोई ना कोई कप कभी टूट जाता है, हैंडल टूट जाता है, तो इसको यूज़ तो हम नहीं कर पाते हैं, हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने चावल और पाउडर वाला मिक्सचर इसमें डाल दिया है। उसके बाद हमें लेना है टिश्यू पेपर और एक रबर बैंड। अगर रबर बैंड नहीं है तो आप धागे से भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। उसके बाद हमें लेनी है टूथपिक और इस तरह से देखिए छोटा छोटा होल इसमें हमें बना देना है। इस तरह से जब हम इसमें छोटा छोटा होल बना देंगे तो इससे आप देखेंगे कि जो अंदर की खुशबू है ना पाउडर की, वो बाहर आती रहेगी। तो देखिए इस तरह से जब हम बैग वगैरह में साड़ियों को रखते हैं, क्योंकि कुछ साड़ियाँ हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, अब इस तरह से रख देते हैं तो आपने देखा होगा बरसात के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा इनमें स्मेल आने लगती है, क्योंकि एक के ऊपर एक साड़ी रखी हुई होती है ना, तो स्मेल आती है और दूसरा इनमें नमी आ जाती है। तो ये जो सीलन की स्मेल आने लगती है ना, इससे आप इस लोशन को जब रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो इसमें स्मेल नहीं आएगी और दूसरा जो चावल हमने डाल के रखा है ना, ये नमी को सोख करता रहेगा। तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर वाले कप को इसमें रख दीजिएगा, इससे आप देखेंगे बिल्कुल भी नमी नहीं होगी और जब भी आप इस बैग को खोलेंगे तो आपको एक बढ़िया सी खुशबू इसके अंदर मिलेगी। तो इस तरह से इस सोल्यूशन को आप अपनी अलमीरा में भी रख सकते हो, वहाँ पर भी अगर आपने साड़ी को हैंग किया है ना तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हो। इसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी साड़ी के इन आइडियाज़ को यूज़ कर पाएँ। तो अगले टिप में भी मैंने ले ली है साड़ी और इस तरह से देखिए जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं ना, इनको हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं। अब इनके साथ भी हमें वही प्रॉब्लम आती है कि इसका ब्लाउज पेटीकोट ढूंढने में हमें टाइम लगता है। तो जो भी इसकी मैचिंग का पेटीकोट या फिर ब्लाउज है आपको इस तरह से लेना है। तो इस तरह से देखिए साड़ी को पहले हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। तो जैसे मैंने फोल्ड किया है सेम तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल इसके सेंटर में हमें ब्लाउज़ को लगा देना है, इस तरह से जैसे हम ब्लाउज़ को वियर करते हैं। तो इस तरह से अब हमें इसके हुक को बंद कर देना है और जो इसकी स्लीव है ना, तो यहाँ पर देखिए जो 1/4 स्लीव होती है इनको भी हम अंदर के साइड टक कर देंगे। अगर हाफ स्लीव है तो उनको भी आप इसी तरह से इसको टक कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक साइड से साड़ी का पोर्शन पकड़ना है और देखिए इसको हमें ऐसे फोल्ड नहीं करना है, इसको हमें क्या करना है, जो नीचे का साइड है वहाँ पर देखिए ब्लाउज तक हमें लाना है और उसके बाद इसको हमें फिर से फोल्ड करना है इस तरह से। और जो दूसरा पार्ट बचा है इस साइड का, इसको भी हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए लाना है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से जो हमने फोल्ड किया था साड़ी का एक पार्ट, उसको हमें दूसरे साइड इस तरह से टक कर देना है। इससे क्या होगा, साड़ी बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। अब ब्लाउज हमारा इसके साथ ही रहेगा, आप चाहें तो इसके अंदर पेटीकोट को भी डाल के रख सकते हो। तो तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में ना इस तरह के पुराने शॉक्स तो पड़े ही रहते हैं और इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहने देते हैं। तो इसको भी हम यूज़ करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमें पतली पतली इसकी स्ट्रिप को कट कर लेना है और इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर मैंने दो जो है स्ट्रिप ली हैं, आप अगर एक से भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। और उसके बाद हमें इस तरह से देखिए इसमें गांठ लगा देनी है, एक छोटा सा गांठ लगा देना है, मतलब बीचों बीच इसमें गांठ हमें लगा देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला हमने स्ट्रिप लिया है उसमें भी हमें गांठ लगानी है। अब इसको भी हम यूज़ करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से देखिए जब हम साड़ियों को हैंगर में डाल के अपने अलमीरा में रखते हैं तो आपने देखा होगा एक एक हैंगर को जब हम रॉड में लगाते हैं तो रॉड ना बहुत जल्दी से भर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से शॉक्स की मदद से इस तरह से एक चेन बना लीजिए और इसमें एक एक करके हैंगर को डालते जाएंगे। तो इससे आप देखेंगे जो अलमीरा में हमारे रॉड लगा रहता है ना, वो बहुत कम स्पेस लेगा क्योंकि एक ही हैंगर में हम कई सारी साड़ियों को हैंग कर पाएंगे। क्योंकि इस तरह से देखिए नीचे के साइड जब साड़ियाँ लटकेंगी ना तो स्पेस कम लेंगी। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें साड़ियों को हैंग करना है। तो यहाँ पर मैंने तीन साड़ी हैंग की हैं, आप एक और इसमें हैंग कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखेंगे अलमारी में स्पेस बहुत कम लगेगा। आज
आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो फैमिली दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक फॉर वॉचिंग।